एक और बड़ी खबर आ रही है, यूपी में नया सियासी घटनाक्रम सामने आया है। समाजवादी के मंच पर शत्रुघ्न सिन्हा, बीजेपी सांसद पहुंचे हैं समाजवादी के मंच पर, पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा भी मंच पर मौजूद। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शॉटगन और यशवंत ने लोकतंत्र को खतरे में बताया। सपा ने जयप्रकाश पर कार्यक्रम आयोजित किया, मुलायम और अखिलेश यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें, शत्रुघ्न सिन्हा पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के मंच पर, बीजेपी सांसद समाजवादी के मंच पर पहुंचे हैं। संवाददाता अभिषेक पांडे इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अभिषेक, राजनीति में क्या कब बदल जाए कोई नहीं जानता, लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये बेहद अलग हैं, चौंकाने वाली हैं। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा समाजवादी के मंच पर पहुंचे हैं, इन तस्वीरों के क्या मायने निकाले जाए? बिल्कुल, ये तस्वीरें हैं बिल्कुल अलग तरीके की राजनीति को बयां कर रही है। हालांकि इससे पहले भी शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा दोनों ही बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा तो बीजेपी के सांसद भी हैं, बावजूद इसके आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करना एक नई दिशा में राजनीति को जाते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपसे कुछ देर पहले यशवंत सिन्हा ने तमाम बातें रखी, उन्होंने स्पष्ट किया कि हमको मिलकर लड़ना चाहिए ताकि उम्मीद। अभिषेक, आपको रोकना चाहूंगी, इसी कार्यक्रम में शत्रुघ्न सिन्हा इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुना। अभिषेक पांडे इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, राजनीति के बदलते हुए मिजाज को हम कैसे देखें? शत्रुघ्न सिन्हा अखिलेश यादव का जादू चला रहे हैं मंच से। जी हाँ बिल्कुल, ये आज नई तस्वीर देखने को मिली है। हालांकि विरोध तो पहले से ही करते रहे हैं, यशवंत सिन्हा खुले मंचों से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते रहे हैं। बीजेपी में रहते हुए शत्रुघ्न सिन्हा लगातार पार्टी के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन आज जो मंच है वो बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा रहा है। समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, जयप्रकाश नारायण की 116वीं जयंती मनाई जा रही है
और यहाँ पर ये दोनों लोग आए हुए हैं और संपूर्ण क्रांति की बात कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को खतरे में बता रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में 2019 का चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में भी एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर सभी का एक साथ आना एक नई तस्वीर बता रहा है। और बीजेपी के अंदर से यह आवाजें उठ रही है कि ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बात को महसूस करना कि पार्टी क्या शत्रुघ्न सिन्हा पर कोई कार्रवाई करेगी या फिर पहले की तरह उनको माफ कर दिया जाएगा। अभिषेक, कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है ये तस्वीरें और उनका बयान, मान लिया जाए कि बगावती तेवर अब उभरने लगे हैं, साफ तौर पर सामने आने लगे हैं। अभिषेक, चलिए बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। मथुरा के वृंदावन में विदेशी प्रेमी और देशी प्रेमिका के बीच में पुलिस की जमकर फजीहत हुई है।